स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12, बच्चों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12 और क्लास 10 के कॉम्पार्टमेंट एग्जाम के रिगार्डिंग। देखो बच्चों, अभी एग्जाम में अब ज्यादा समय तो बचा नहीं है, अब इसको हम कह सकते हैं रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट हो गई है, उल्टी गिनती कहते हैं इसको। पासिंग परसेंटेज को लेकर अभी भी बच्चे डरे हुए हैं, क्या कुछ चेंजेस तो नहीं है। तो बच्चे मैं आपको बता दूँ कि जैसा कि आप सब जानते हो, क्लास 12 का क्लियर है कि थ्योरी में आपको पास होना है, प्रैक्टिकल में आप पास हो गए ही, ठीक है। थ्योरी में 33% आपको लेके आना है। सो अगर आपकी थ्योरी 70 मार्क्स की है तो यानी कि आपको उसमें 23 लाना है, और अगर 80 मार्क्स की है तो आपको 26-27 के अराउंड लेके आना है, क्योंकि 26.4 मार्क्स चाहिए 12th वालों के लिए। और क्लास 10th वालों के लिए है कि आप 13-15 के रेंज में लाओगे तो आप पास हो जाओगे, क्योंकि आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला करके 33 लाना है। तो प्रैक्टिकल जो आपको 20 मार्क्स का होता था उसमें आपका 18-20 के बीच तो ज़रूर होगा, और वो आपके मार्कशीट में आपने देखा ही होगा। तो आपके मार्कशीट में जितना है 33 में से उसको माइनस कर दो तो उतना आपको थ्योरी में मिनिमम चाहिए। तो बेसिकली 13-15 मार्क्स अगर आप थ्योरी में ले आते हो तो आप पास हो जाओगे बड़े आराम से, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड बेटा आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में मिल जाएगी स्कूल से, अगर आप इस बार के बोर्ड दिए हो, ठीक है, और वो नई आपकी एडमिट कार्ड होगी। बट अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हो तो आपको ऑनलाइन, जैसे आपने फॉर्म सबमिशन किया था वैसे ऑनलाइन आप उसको डाउनलोड भी करोगे, सेंटर आपके नियर बाय ही आएगी, लेकिन सेम आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस बार बहुत कम होंगे विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम जब आपने बोर्ड दिया था, तो इस वजह से सेंटर के नंबर भी कम होंगे, तो चांसेस बहुत कम है कि आपको सेम सेंटर मिल जाए, ठीक है। अब जो ये कम टाइम बच्चे आपके लिए बचा हुआ है उसमें आप वन शॉट वीडियोज हर चैप्टर के देखिए, 10 चैप्टर है आपके पास, अभी भी 17 दिन है, 17 दिन से ज़्यादा है, तो एक दिन में एक चैप्टर को फिर वन शॉट वीडियो देखो, उसके PYQs करो और NCERT को ओवरऑल ऊपर से कम देख जाओ, ठीक है। अगर आप कंपार्टमेंट केमिस्ट्री में दे रहे हो क्लास 12th के बच्चों, तो आप अभी भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, बैचेज ऑलरेडी चल रही हैं और एक न्यू बैच फिर से बन रहा है जिसमें 15 डेज में हम रिविजन करने जा रहे हैं, तो सो ज्वाइन द बैच एज सुन एज पॉसिबल। आप मुझे ईमेल कर दीजिए, और क्लासेस विल बी वाया जूम, NCERT से ही हम पढ़ेंगे, और वो हाईलाइटेड NCERT की PDF भी आपके साथ शेयर होगी, एंड ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विल आल्सो बी शेयर विद यू। सो ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल।